आपको ये मालूम है, क्या हिंदुस्तान में किसी को मालूम है कि अमेरिका में जितनी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है किसी भी कमरे के अंदर उसको एक घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, मालूम है आपको कमरे को? क्यों? इसलिए अमेरिका में वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो कमरे अगर आपने खुला छोड़ दिया तो कोई भी आदमी ऐसी मशीन लेकर आ सकता है ऑडियो की, जिसमें वो पूरा एक घंटे तक वो जो बात हुई है वो सारा का सारा हवा के वातावरण में रहता है, वो सारी की सारी वो टेप कर सकता है। एक घंटा लगता है। तीसरा आपको मैं बताऊं, आप अमेरिका में ये इंस्ट्रक्शंस हैं आज की तारीख में कि कोई भी एग्जीक्यूटिव परमात्मा के लिए अपना मोबाइल फोन यूज करने के बाद उसको कबाड़ी को ना बेचे। आपको मालूम है कितने के बिक रहे हैं? होता क्या है, आपने सिम कार्ड निकाल लिया, सिम कार्ड से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, सिम कार्ड का डेटा बैटरी में चला जाता है। सुन लीजिए आप मेरी बात, सिम कार्ड का डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। आप ये प्रोसेसेस को आप समझिए। अमेरिका में हर कंपनी ने इंस्ट्रक्शन दी है कि जब आप मोबाइल फोन नया खरीदें तो पुराने को हथौड़े से तोड़ दें उसको। कई कंपनियों को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। शुरू में बात किसी को नहीं मालूम थी। और आप ये देखिए कि आप समझते हैं सारा कुछ सिम कार्ड में है, सारा कुछ होता सिम कार्ड में है, लेकिन सिम कार्ड से वो जो अगर काफी दिन तक वो बैटरी रही है तो वो सारा उसमें काफी हद तक पास हो जाता है। सारे सीक्रेट फोन नंबर आ गए, सारे वो आ गए। कि आज जो पूरा जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है वो क्लाउड सीडिंग पर आ गया है। आपको पता है आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत, अगर आप गूगल इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए कि गूगल में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप सिर्फ कंप्यूटर पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। अच्छा, गूगल का जो पूरा सॉफ्टवेयर है, आपने कभी गूगल की सॉफ्टवेयर सीडी देखी है? कभी बिकते हुए नहीं है, वो सारी क्लाउड के अंदर है। क्लाउड सीडिंग बोलते हैं इसको। तो अब जो नया युग आ रहा है उसके अंदर आपको सिर्फ एक कंप्यूटर के अलावा जहां पर आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं क्लाउड से, उससे आप सारा सॉफ्टवेयर और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अभी तक ये स्टडी नहीं हो पाई है मनीष जी कि क्या बारिश के समय, क्या जब अंधड़ आता है, क्या इसके अंदर एबरेशंस आ सकती है? अब एबरेशन मान लीजिए आपने ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बना दिया एक गरीब का बेचारे का, उसका कभी टेस्ट नहीं हुआ बार बार, उसने उस समय दे दिया। अब क्योंकि ये जो यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे ये उससे नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको जाना पड़ेगा जंगलों के अंदर 100-100 मील दूर जाके, वहां पर आपने जब बनाया तो उस समय क्लाउड ठीक था, या आपने जो क्लाउड सीड किया था, इसका एक पर्टिकुलर क्लाउड सीडिंग होती है जो एक क्लाउड सीड किया जाता है जी। वो क्लाउड की एक सिचुएशन थी उस क्लाइमेट में। आपने जब उसको चेकिंग करना शुरू किया तो जहां पे चेक किया वहां पे क्लाउड उस समय बारिश हो रही थी, वो फॉल्ट दे रहा, वो कहता है ये तो आदमी वो नहीं है जिस जो अपना ये दे रहा है, आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। अगर मान लीजिए 3% लोग भी गिरफ्तार होना शुरू हो जाते हैं, या 2% भी होना शुरू हो जाते हैं, या 1% भी होना शुरू हो जाता है, आपने तो गिरफ्तार करके उसको रात को बंद कर दिया जेल के अंदर, तो आप क्या इसमें इसकी क्या एफिकेसी? ये बातें अभी तक हमारे देश का जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो जब ब्रिटेन जैसे देश ने 8 साल की स्टडी करने के बाद इसको रिजेक्ट कर दिया इस आइडिया को, हम अभी तक टेक्नोलॉजिकली इतना प्रूफ कर नहीं पहुंचे हैं। अगर किसी चीज की अकरेंस की पॉसिबिलिटी 0.00001 हो तो उस सिस्टम को तो मैं लेने को तैयार हूं, क्योंकि 100% कोई सिस्टम नहीं हो सकता। लेकिन ये तो पूरा मामला ही, अगर 1% भी अगर उसकी पॉसिबिलिटी है या 2% भी है तो आप उस 2% वाले को तो आपने नाप दिया, और उसमें 2% अगर सही वाला गलत पकड़ा गया तो 2% गलत वाले भी तो सही निकलेंगे उसमें से, तो आपका पर्पस डिफीट हो गया।